हाल ही में कुछ अज्ञात लोगों ने पठानकोट के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को मार दिया है। दावा ऐसा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में शाहिद लतीफ को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने मारा है। शाहिद लतीफ जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। भारत के पंजाब पठानकोट में 2 जनवरी 2016 को आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ ही था। इस आतंकी हमले में भारत के 7 जवानों की जान चली गई थी। शाहिद लतीफ का नाम विमान हाईजैक में भी आता है। भारत में शाहिद लतीफ को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन 2010 में यूपीए सरकार के अंतर्गत जिसकी सोनिया गांधी अध्यक्ष है, इस आतंकी को वापस पाकिस्तान छोड़ दिया गया था। इसको देखते हुए बीजेपी सरकार ने कांग्रेस को घेरा भी था, लेकिन कांग्रेस का कोई जवाब नहीं आया। 24 अन्य कैदियों के साथ कांग्रेस की सरकार ने शाहिद लतीफ को भी छोड़ दिया था, लेकिन अब शाहिद लतीफ को शहीद कर दिया गया है। अगर 2010 में कांग्रेस के कार्यकाल में इस आतंकी को छोड़ा नहीं होता तो 2016 में पठानकोट अटैक नहीं हो पाता। इस आतंकी को छोड़ना भारत की बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। जय हिंद, जय भारत।